इस रेखा को मंगल की रेखा कहिए, जीवन रेखा के पैरेलली इस तरह से बनता है। कईयों के हाथ में ये प्रॉपर बनता है, कईयों के हाथ में हल्का होता है, खंडित होता है, ठीक है, हर तरह से ये रहता है। यहाँ बुक में लिखा हुआ है, ये रेखा आक्रामक मंगल क्षेत्र से जीवन रेखा के समानांतर चलती हुई शुक्र पर्वत पर समाप्त होती है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया। कई बार ये शुरू होती है यहाँ से, आक्रामक मंगल के पूरे स्टार्टिंग से शुरू होती है, कई बार ये जीवन रेखा से शुरू होती है। इसमें राइटर कहते हैं कि उन्होंने जो भी देखा है, मुझे भी जो भी जहां तक मैंने देखा है, मैक्सिमम उसमें ना मंगल के क्षेत्र से ही वो शुरू होता है, मंगल का जो मंगल की रेखा है, इसलिए उसको टिपिकली मंगल की रेखा सपोर्टिव रेखा भी कहते हैं। कई लोग इसको एंजल लाइन भी कहते हैं। ऐसे लोग, ये एक्चुअली क्या होता है ना, अपने जो जीवन रेखा होता है, इस जीवन रेखा को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए मंगल की रेखा रहती है। ये एक तरह का बैकबोन है, बहुत स्ट्रांग बैकबोन कह सकते हैं। ये जिनके हाथ में होता है तो एक तरह का ये जिंदगी भर इनके लाइफ में सपोर्ट बना रहता है, अपनों का सपोर्ट, भगवान का सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट मिलता है। मंगल रेखा जातक के अतिरिक्त ऊर्जा को दर्शाती है। जिन जातकों के हाथ में मंगल रेखा अच्छी स्थिति में पाई जाती है, उन जातकों की कुंडली में लग्न का मंगल के साथ, ये फोन ले लिया, और जो है मंगल की रेखा में कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऊर्जा देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाली रेखा भी है। बेसिकली मैंने जिन जिन हाथों में ये रेखा देखी है, मेरे फादर के हाथ में भी बहुत बहुत स्ट्रांग वाली है रेखा, तो मुझे जहां तक बचपन से याद है कि उनका उनका जहाँ पे जॉब था, तीनों शिफ्ट में जॉब होता था, और एक टाइम उनके लाइफ में ऐसा था, करीब करीब 6 से 7 8 साल ऐसा था कि जहां पर उन्होंने तीनों शिफ्ट कराया, तीनों शिफ्ट लगातार, उनको ओटी बहुत मिलता था, तो ओटी करके बहुत कमाते थे उस टाइम। तो तभी आज मुझे ये बड़ा रियलाइज होता है कि एक इंसान लगातार तीनों शिफ्ट कैसे कर सकता है भाई, इसका मतलब उसके पास एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, तभी वो कर पाता है ना। तो मेरे फादर के हाथ में ये मंगल की रेखा बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत, मतलब जितनी डीप जीवन रेखा है उतनी ही डीप मंगल की रेखा, साफ क्लीन। और ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं, मेरे फादर हार्ड कोर प्रैक्टिकल है, उनके अंदर इल्यूजन का ए भी नहीं है, इल्यूजन का ई, ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड कोर प्रैक्टिकल इंसान, टफ मेहनत करने वाले। तो इस प्रकार के जातक को क्रोध प्रवृत्ति के साथ साथ कुछ नेतृत्व करने वाले भी होते हैं, एकदम साफ, मेरे फादर पूरी तरह से बैठता है, क्रोधी होते हैं और नेतृत्व करने की भी क्षमता, अपनी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके काम करते हैं, या फिर किसी सेना या समूह के मालिक होते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि यह रेखा जीवन रेखा की सहायक रेखा मानी जाती है, अर्थात जीवन में पाए गए किसी भी दोष को मंगल रेखा पूर्ण कर देती है, बहुत अच्छा ये सपोर्ट देती है। मंगल की रेखा किसी के हाथ में है, ठीक है, वो इंसान ना कभी खाली नहीं बैठ पाता है, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है। रिसेंटली एक सेठ का देखा था, सेठ मतलब कि मुंबई के हैं, वो ज्वेलरी का उनका काम है, उन लोगों का। तो अब कोरोना काल में भी कोई कमा सकता है, वो भी ज्वेलर, मतलब मेरा तो दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं था। वो इंसान कोरोना काल में जब कोई अपना खुद का पेट नहीं चल रहा था, उस समय में भी वो लाखों करोड़ों बना रहा था बैठ के। भाई मैं तो बड़ा ही परेशान हो गया इस चीज को समझने में कि आपने कैसे बनाया, इस तरह से कैसे बनाया। बोले कि एक तो हमारा सूद बट्टे का काम था, मतलब कि इंटरेस्ट में पैसा लगाने का, और दूसरा जो कुछ चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाती हैं, कुछ मिक्स मटेरियल होता है, तो हम लोग मिक्स मटेरियल का भी काम करते हैं, तो वो सारा एक्सपोर्ट करते थे, वो कोरोना काल में एक्सपोर्ट किया उन्होंने, दबा के एक्सपोर्ट किया, बाहर खूब कमाए। तो ऐसे लोग अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप चल के आती है। कभी कभी पाया जाता है कि मंगल रेखा से कुछ खड़ी रेखाएं जीवन रेखा पर आक्रमण करती है, यह योग मांगलिक योग को दर्शाता है। छोटी छोटी पतली रेखाएं जो है, जैसे इस हाथ में ही बना हुआ है, ये कनेक्ट हो जाना,
ये पूरी तरह से मांगलिक दोष का इफेक्ट नहीं कहेंगे। हाँ मांगलिक मंगल का इफेक्ट तो आता है, बट मांगलिक ही हो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये थोड़ा सा हाजमा यानी पित्त पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस लोगों का पेट में ना एसिडिटी गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो मंगल जो है पित्त का कारक होता है, यानी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में जो हमारा पेट का जो ऑटो मोड वाला जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमेशा बनता रहता है, स्पेशली जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बनती है। इन लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती। एक तो पेट गड़बड़ भी होता है, लेकिन इनको भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे भूख लगा कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका दिमाग पारा और भी चढ़ने लग जाता है। फिर लिखते हैं जन्मपत्री में मंगल ग्रह लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 भाव में से कहीं पर बैठा होता है। अगर मंगल के क्षेत्र में कोई छोटी छोटी रेखाएं आकर जीवन रेखा पर आक्रमण करे, परंतु मंगल रेखा हाथ में न हो अथवा दूषित हो, तो जातक सिर दर्द से पीड़ित अथवा उच्च रक्तचाप का रोगी होता है। उच्च रक्तचाप का तो मुझे नहीं पता, इतना नहीं देखा मैंने। मैक्सिमम मैंने देखा कि ये रेखाएं जातक जब भी जीवन रेखा पर टच होती है, क्रॉस कर जाती है, तो इनको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित समस्याएं आती है, या पित्त से संबंधित, लीवर रिलेटेड इश्यूज आता है, हाजमे से संबंधित आता है। इनके पेट में जरूरत से ज्यादा जो है HCl सेक्रेशन होता है, निकलता रहता है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों चला जा रहा है? हाँ इसके बाद इस प्रकार के अशुभ संकेत दृष्टिगोचर होने से जातक को सूर्योदय के वक्त सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। वास्तव में मंगल रेखा जातक के लिए रोग प्रतिरोधक का कार्य करती है, परंतु शर्त यह है कि मंगल रेखा निर्दोष होनी चाहिए। हाथ में अगर मंगल रेखा अच्छी स्थिति में हो तो मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के लिए भी आप लंबी आयु की आशा पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। अगर ऐसा ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है दसियों बार आईसीयू जाते हैं, लेकिन मंगल की रेखा बहुत अच्छी है, तो फिर दसियों बार वापस आ जाते हैं आईसीयू से। ऐसा अक्सर केस मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि हालत ऐसी खराब हो जाती है, ये वो हो गया, ऐसा हो गया, फिर 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद अच्छा अच्छा खाना, अच्छा AC में मस्त रहा, मस्त उसको वो सलाइन चढ़ा, और वो फिर से चंगे बंगे होकर फिर आ गए वापस नॉर्मल लाइफ में। ठीक है। और हाथ में अगर मंगल रेखा अच्छी स्थिति में हो तो मृत हो गया ये वाला, बशर्ते हाथ की परीक्षण ध्यान पूर्वक करना चाहिए। कुछ विद्वान मंगल रेखा को निकट संबंधी की रेखा भी मानते हैं तथा निकट संबंधी के विषय में फलादेश करते हैं। निकट संबंधी, अब ये जो निकट संबंधी क्या हो जाए यहाँ पर, स्पेशली मंगल रेखा का क्या कनेक्शन होता है? मंगल रेखा जो है निकट संबंधी मतलब होता है जिसका कनेक्शन आपके ब्लड से है, यानी आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन जिनके साथ ब्लड का है, उसको भी मंगल रेखा से देखा जाता है। यानी आपके अपने घर वालों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ कितना प्रगाढ़, कितना अच्छा रिलेशन रहेगा, वो मंगल रेखा बता देती है। परिभाषा मार्ग हो गया, गुण हो गया, प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक क्षमता, साहस, शारीरिक बल, परिश्रम, कर्मठता, निकट संबंधी को दिखाता है। मंगल रेखा गुरु पर्वत से आरंभ हो तो निकट संबंधियों का भरपूर प्यार मिलता है तथा बचपन में स्वास्थ्य अच्छा होता है। बचपन के आजीवन ही स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये रेखा भी बहुत रेयर देखने को मिलेगी। यह है जीवन रेखा, यहां से इस प्रकार से शुरू होते हुए पूरा नीचे तक मणिबन तक पहुंच जाए, ये रेखा बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ। ऐसे लोग जब पैदा होते हैं ना घर में, जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में तरक्की होने लग जाती है, बढ़ोतरी होने लग जाती है, लगातार घर में धन धान्य यानी पैसे की तरक्की, नेम फेम की तरक्की, उस घर में ख्याति बढ़ती है। बचपन में स्वस्थ होता है ये, बुढ़ापे तक बहुत लंबे टाइम तक स्वस्थ होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनका लीवर बहुत स्ट्रांग होता है,
लीवर ऐसा होता है ना कि लोहा भी खा जाए तो हजम हो जाए, इतना स्ट्रांग वाला लीवर होता है इनका। फिर लिखते हैं मंगल रेखा मुख्य रूप से जीवन रेखा की सहायक रेखा मानी जाती है। मंगल रेखा की स्थिति जीवन के दृष्टिगोचर होता है, एक ही बात को लिखा हुआ है। यह निकट संबंधी माता पिता या पत्नी भी हो सकती है, परंतु जीवन साथी के संदर्भ में प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि विवाह रेखा का भी अवलोकन करें। नहीं, अगर विवाह रेखा देखना हो, मतलब अगर पत्नी से संबंध बना रहे हैं तो यह विवाह रेखा के साथ देखना पड़ेगा। मंगल अकेला सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लड से रिलेशन, ब्लड से कनेक्शन को दिखाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पत्नी का देखने के लिए विवाह रेखा देखना ही पड़ता है, क्योंकि पत्नी के साथ आपका शारीरिक संबंध बनता है, ब्लड का संबंध नहीं बनता। ठीक है। हाँ, एक अलग बात है कि कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को एनीमिया है, तो अब हस्बैंड वाइफ का दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो ब्लड दे दिया तो वो संबंध बन गया, वो अलग बात है, बट वैसे नहीं। तो उसके लिए हमेशा विवाह रेखा ही देखते हैं। और नेक्स्ट स्टेप